हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे कोहड़ा के फूल का भाजा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कोहड़े को फूल को ले और उसके लास्ट सिरे को इस तरह काट दें। उसके बाद ये जो हरी पत्तियां दिख रही उन्हें निकाल दें और इसके अंदर जो कुछ भी हो उसे बाहर निकाल दें। फिर उसे अच्छी तरह पानी से धोकर रख लें, जैसा कि यहाँ मैंने पानी से धोकर रखा है। अब एक बर्तन में घोल तैयार करें। घोल में हमें एक कटोरी चावल का आटा, आधा कटोरी बेसन और थोड़े से कॉर्न फ्लोर और मिर्चा, लाल पाउडर वाला मिर्चा और नमक मिला लें। नमक स्वाद अनुसार डाल दें। उसके बाद एक पैन में सेलो फ्राई करेंगे। अभी हम उसे सेलो फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले इस घोल में डुबा लें और उसे सेलो फ्राई करें। मैंने तेल डाल दिया है और तेल गर्म हो रहा है। अब इस तरह इसमें सेलो फ्राई करें। घोल ना अधिक मोटा होना चाहिए और ना अधिक पतला होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह का घोल होना चाहिए। अब इसमें इस तरह इसे पका लें। ये बहुत जल्दी पक जाएगा, अच्छा इसे तुरंत ही उलट दें और इसके दोनों तरफ इसे अच्छी तरह पका लें। ये देखिए, इस तरफ बहुत अच्छी तरह लाल हो गया है। बस इसी तरह इसे पकाएं। ये अब पक चुका है। अब इसे एक प्लेट में रख लें। जब इसका तेल निकल जाए तो इसे दूसरे प्लेट में रखकर इसे परोसे। ये बैगन का ये कोहड़े के फूल का भाजा बन चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।